भाई पीछे से किसने मारी है? बोल भाई, तुम मेरा ओए भाई, रहने दो, लड़ मत यार, लड़ मत यार, लड़ाई मत कर। क्यों तू लड़ रहे हैं यार? पाओगे ना कि छोड़ यार, क्यों लड़ाई कर रहे हैं? मेरी क्या गलती है? मेरी गलती, डंडा तो है। प्रधानमंत्री है कोई? प्रधानमंत्री है क्या? ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना और स्किप मत करना, पूरी वीडियो जरूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ट्रेडिंग ऐप के बारे में जिसका नाम है बिनोमो, जो कि मेरा ऑनेस्ट ट्रेडिंग ऐप है। आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ बिनोमो ऐप को यूज कैसे करना है। ये है बिनोमो ऐप, जो कि मेरे रियल अकाउंट में 15,815 रुपीज। सबसे पहले हमने एसेट चूज कर लेना है और मैं ग्राफ को जूम करके दिखा देता हूँ, जो कि फुली जूम्ड है। और यहाँ पे हमें ग्राफ का ऑप्शन मिल जाता है, माउंटेन लाइन कैंडल बार, आज हम करेंगे माउंटेन पे क्लिक। देन उसके बाद बारी आती है पैसे इन्वेस्ट करने का, हम करेंगे अमाउंट पे क्लिक। देन आज हम करने वाले हैं 7,000 इन्वेस्ट। देन हमें ग्राफ को देख के ये प्रिडिक्ट करना होता है कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे। मुझे लग रहा है नीचे जाएगा, तो हम करते हैं डाउन पे क्लिक, जो कि मैंने कर दिया है। हमारे पैसे इन्वेस्ट हो चुके हैं, अब हम वेट करते हैं ग्राफ ऊपर जाता है कि नीचे। फाइनली हमने अर्न कर लिया 7,000 रुपीज। देन यहाँ पे हमें क्लिक करके मिल जाता है टूर्नामेंट्स का ऑप्शन, यहाँ पे भी हम पार्टिसिपेट करके मनी अर्न कर सकते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, फटाफट जाओ, जो मेरे लिंक से जाएगा उसको मिलेगा $1,000 डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग सीखने के लिए। पहले सीख लें, उसके बाद आप रियल मनी को इन्वेस्ट करके ट्रेड करें, नहीं तो आपका लॉस भी हो सकता है। मैं ये नहीं चाहता आपका लॉस हो, पहले ट्रेडिंग सीख लें फिर उसके बाद ट्रेड करें। हे गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज HSB। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सो गाइस, आज बारिश के नज़ारे लेने के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि यार गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हो रही है, कुछ कहने की हद नहीं। तो भाई बाइक के ऊपर बैठ जाओ तो लगता है कि भट्टी के ऊपर बैठ गए एक हिसाब से, कि मतलब बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लम होती है आजकल बाइक के ऊपर बैठने की, क्योंकि गर्मी बहुत है। और आपको पता अपनी BMW कितनी हीट होती है, BMW की तारीफ़ ज़्यादा हो रही है मुझसे। और बारिश बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि मैं जब निकला हूँ घर से तो मैंने कहा चलो यार थोड़ा शूट कर लिया जाए, और ये बारिश ही आ गई। संडे में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है रोड्स पे, अब भीड़ के साथ साथ पानी भी रोड्स पे मिल रहा है हमें। शुक्र है भाई बाइक पे नहीं हूँ, क्योंकि यार बाइक बहुत जल्दी गंदी हो जाती है बारिश में। मेरा चलाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, बाइक चलाने में बारिश में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, बाइक गंदी हो जाती है, साफ़ करनी पड़ती है। तो इसलिए यार पानी से मुझे थोड़ी सी हेट है। ताकि नीचे बहुत कमेंट्स आ रहे थे भाइयों के कि भैया आप लद्दाख जाओ, लद्दाख जाओ, क्योंकि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में पूछा था कि भाई लद्दाख जाना चाहिए या मसूरी जाना चाहिए। तो काफ़ी भाइयों के मैसेजेस और कमेंट्स इतने सारे हैं, और ये बोल रहे थे कि भैया लद्दाख जाओ। तो यार गाइस, बात थोड़ी सी ये है कि मैं लद्दाख चले तो जाऊँ, पर यार लद्दाख एक्चुअली मुझे कहीं से खबर आई है कि अगस्त के फर्स्ट या सेकंड वीक में डेफिनेटली लॉकडाउन लग रहा है। ये फर्स्ट या सेकंड वीक में वो वाला सैटरडे संडे वाला सीन कर देना इन्होंने, कि वीक में 2 डेज लॉकडाउन रहेगा, वो चीज़ कर देनी। और ये रिपोर्ट बिल्कुल पक्की है, क्योंकि लद्दाख गया तो भाई 10-15 दिन कहीं नहीं गए, 10 दिन तो है ही, क्योंकि फिर आराम भी करना होता है, सारी चीज़ें तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं सोच रहा हूँ मसूरी जाऊँगा। बाकी यार जिसने जाना है, कोई राइडर है मतलब कि जिसके पास डोमिनार हो, NS हो, या कोई भाई है चलने वाला, तो यार हमारे साथ कंपनी दे सकता है, क्योंकि यार एक्चुअली हम 3-4 जाने हैं। एक तो BMW हो जाएगी, और एक अपनी बुलेट हो जाएगी, और साथ में एक हो जाएगी अपनी NS हो जाएगी, पल्सर। तो बाकी कोई कंपनी देना चाहता तो ये मेरा Instagram ID आ रहा है HSB Official के नाम से। सो मतलब कि आप यहाँ पे कर दीजिए, नहीं तो Mail ID आपको सबको पता है। यार मैंने एक और बात करनी थी कि HSB World, जो कि मेरा सेकंड चैनल है जो रंधावा साहब चलाते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने शाउट आउट दिया था, तो भाई 700 सब्सक्राइबर आए एक दिन में। सो भाई थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं ध्यान नहीं रखता ज़्यादा, और रंधावा साहब ने मुझे बताया कि भाई आपने शाउट आउट दिया, 700 सब्सक्राइबर आया। तो आई थिंक उस पर 12,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। सो भाई जिन्होंने नहीं भी करा, ये चैनल आ रहा है, जाके सब्सक्राइब कर लो, और भाई फटाफट इसका भी मोनेटाइजेशन ऑन हो जाए। क्योंकि भाई देखो, रंधावा साहब डेली गेमिंग खेलते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, गेमिंग चैनल है वो। 13 साल से लेके 21 साल तक भाई हैं, जो अपने भाई भी हैं और बच्चे भी हैं, जो नया, क्योंकि यार मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कोई वल्गर चीज़ नहीं होगी, क्योंकि कोई इसमें अब्यूज़ नहीं यूज़ करती कि कोई गाली दे गए कुछ। तो लड़का है या लड़की है, कोई भी गेमिंग खेलने का शौकीन है, तो भाई ये चैनल सब्सक्राइब कराओ, इसमें कोई अब्यूज़ नहीं यूज़ करी जाती, और भाई अच्छी बातें बताई जाती हैं, और मतलब जनरल नॉलेज वाली बातें बताते हैं रंधावा साहब, जितना भी उनको ज्ञान है वो आप तक पहुंचाएंगे। सो गाइज, ये वाला यार चैनल सब्सक्राइब कर लो। भाई कौन कौन चाहता है कि रंधावा साहब भी व्लॉगिंग करें, नीचे कमेंट करके बताओ। भाई देखो, 500 कमेंट रंधावा साहब हुआ ना, रंधावा साहब व्लॉगिंग करेंगे। सो भाई मैं बता रहा हूँ कि उसी टाइम उसको मैं कैमरा गिफ्ट करूँगा सबके सामने, वो भी GoPro 9।
ये नीचे आप कमेंट कर दो कि रंधावा साहब व्लॉगिंग करें, तो पता लग जाएगा, क्योंकि यार देखो 12,000 सब्सक्राइबर करे उन्होंने अपने दम पे गेम्स खेल खेल के, और उन्होंने कम से कम नहीं तो 60-70 वीडियोस डाल दिए हैं उस चैनल पे। सो गाइस नीचे जाओ और प्यार दिखाओ यार दूसरे चैनल पे भी। BMW की मैं लास्ट टाइम करवा के लाया था चैन लूप, जिससे कि बहुत ज़्यादा बाइक के अंदर ना फ़र्क पड़ गया। और मैंने MWR की बात करने की, जिनके पास भी 1000 MWR का मैंने परफॉर्मेंस फिल्टर लगवाया है, वो भी बाहर से इंपोर्ट हुआ था, तो 1000 है भाई। एक बारी MWR लगा के देखो फिल्टर भाई, एयर फिल्टर, वाकई बाइक में परफॉर्मेंस में फ़र्क आएगा भाई। व्हीलियाँ तो ऐसे जा रही है ना पानी बिल्कुल। अपनी बाइक में एग्जॉस्ट चेंज करवाते हैं तो उसके बाद फिल्टर चेंज करवाना मस्ट होता है। स्टॉक फिल्टर में आप चलाओगे तो बाइक घुटती है थोड़ी सी, कि जब एग्जॉस्ट लगता है तो बाइक और थोड़ी खुल जाती है। जैसे मेरी बाइक में आपको पता फुल सिस्टम एक्रापोविक लगा हुआ है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा भाई, उन्होंने मुझे कोई पैसे नहीं दिए, पर मुझे जो चीज़ अच्छी लगी ना तो मैंने कहा अपने भाइयों से शेयर की जाए, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सो मैं ऐसी चीज़ें बोलता ही नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि भाई सब कुछ ठीक है बढ़िया है, पर यार मैं बाइक को चला रहा हूँ आई थिंक 1 महीने से, चीज़ का मज़ा नहीं आ पा रहा था। जब मैंने फिल्टर लगाया तो वाकई यार मज़ा आ गया, तो इसलिए मैंने शेयर करा आपसे। यार संडे वाले दिन गाड़ी लेके निकलना तो गुनाह हो जाता है। चलो यार एसी में चलो बैठे तो हुए हैं, पर आज बाहर का मौसम भी एटमॉस्फेयर बहुत सही हुआ हुआ है यार। सो गाइस रंधावा साहब को ले लिया हमने, मौसम बहुत बढ़िया हो पड़ा था, कुछ खाने पीने चल रहे हैं बढ़िया, और मैंने लाइट चलाई हुई है क्योंकि टाइम देखो 7:15 हो रहे हैं। मैं फर्स्ट टाइम इतना लेट व्लॉग कर रहा हूँ। इधर हम रोकते हैं गाड़ी को, पीछे देखियो यार गाड़ी किसने मार दी। ओ यार तो भाई ये क्या कर दिया यार, यार मैंने तो ब्रेक मारी है यार। कैसे ब्रेक मार रहे हो भाई? यार हमने क्या ब्रेक मारी, आगे गाड़ी खड़ी हुई है यार, ये देखो ये तो साइड में गाड़ी खड़ी करी है यार भाई मैंने। भाई शीशे में क्या यार, ये देखो यार, ये देखो ये क्या कर दिया तुमने यार, पूरा डंडा तोड़ दिया तुमने यार, ये क्या बात हुई भाई? देखो मेरी बाइक ही टूट गया यार। यार भाई गलती आपकी है यार, भाई कुछ भी नहीं हुआ तूने यार, डंडा तोड़ दिया यार पूरा। ये मैडम जी गलती मेरी क्या, मैंने तो साइड में ब्रेक मारी है गाड़ी की, मेरी क्या गलती है कि गाड़ी खड़ी हुई है, वो देखो ये साइड में रोड में, आप यहाँ चलो ना आप यार, एक लड़ाई मत कर, क्यों लड़ रहा है यार, छोड़ क्या बात है भाई, यार लड़ क्यों लड़ रहा है भाई, यार लड़ो मत, यार लड़ो मत, मेरी क्या गलती है, डंडा तोड़ दिया आपने यार, हाथों की लड़ना यार, लड़ना यार, लड़ाई यार बिना बात की बात है भाई, तुमने ब्रेक मारे हमने ब्रेक मारे भाई, यार लड़ना यार, एक मिनट वीरे रुक जा यार, तो हमारी गलती है क्या भैया, गलती तो आपके आप, यार गरम मत हो भाई, मेरी बात सुन भाई, हेलो भाई बात सुनो भाई, आप रोड पे लेके आ रहे हो बाइक को, मैंने गाड़ी की, आपकी बाइक तेज होगी आपकी गलती है भाई, मेरी गाड़ी स्लो थी मैंने ब्रेक मार ली, गलती आपकी, आप तेज लेके आ रहे हो मेरे भाई। मैं भी मंदी ही चला रहा था यार, 40 की स्पीड भी नहीं होगी मेरी, और उसमें एकदम से आपने ब्रेक मारे मेरे, आपका क्या नुकसान हुआ यार भाई, ये टूट गया यार, कहाँ टूटा यार, ये पहले से टूटा हुआ यार, यार इतनी ज्यादा तो भाई नहीं गिरी यार भाई, यार ऐसे मत बोलो यार, यार स्क्रैच थोड़ी आ रहे हैं, ओ भाई यार गुस्सा मत कर, कोई बात नहीं, गुस्सा मत कर, ये देखो भाई, मैं भी कह दूंगा आपके भी साथ पहले, मैं नहीं मेरे भाई, ये देख यार, ये आपने कितनी जोर की मारा, ये देखो यार अभी टूटा यार, ये पहले नहीं टूटा था मेरे भाई, ये तभी टूटे ना, बम्पर टूट जाता, हमें आवाज आई, हम यार इसमें आप करवाओ भाई, मैं भी आपका देख लूंगा, आप मेरा करवाओ यार, चलो ठीक है भाई, आप हमारा करवा दो हम आपका करवा देते हैं। ये देखो यहाँ पे स्क्रैच बोर्ड, क्या करूंगा, हमारा भी तो नुकसान हुआ है, क्या नुकसान हुआ, वो तो पहले से टूटा हुआ है भैया, झूठ बोल रहे हैं, ये भी पहले, ओ यार क्यों झगड़ा कर रहे हो आप, भाई सुनो मेरी बात, देखो आराम से बात करो, ये देख लो आप मैं कौन भाई, दिल्ली क्या है, तिहाड़ जेल में हूँ मैं, ठीक है, तो क्या हो गया, ओ यार क्यों भाई, ओ यार लड़ाई नहीं करनी यार, आ जाओ तिहाड़ जेल चल लेते हैं, क्यों लड़ रहे हैं यार, पागल है, गाड़ी में बैठ जा तू, गाड़ी में बैठ जा, गाड़ी में बैठ जा, बोल के मेरा हो, ओ यार तू गाड़ी में बैठ भाई, गाड़ी में बैठ। सो भाइयों इसके साथ तो भाइयों बहुत गर्व हो गया, ठीक है, इसके साथ मजाक कर देते हैं भाई, हाँ भाई क्या हुआ, तेरे साथ ट्रैक हो गया, जी करदा कपताना हां दे जल से ते नचने तो मेरा आज, जी करदा कपताना हां दे जल से ते नचने तो मेरा आज, फिर को बोला ना पीछे मारने के लिए, ये भी मेरी फ्रेंड है, ये भी मेरा फ्रेंड है, अरे भाई ओ भाई बात तो सुन ले यार, ओ भाई कैमरा चालू है, ओ बात तो सुन ले इधर तुम्हारा, अरे बात तो सुन, एक मिनट बात तो सुन, एक मिनट बात तो सुन ले यार, एक मिनट
नहीं आगे मत जा, इधर बात सुन। सो गाइस मैं बताता हूँ कि इसके अंदर प्रैंक कर रहे थे हम, क्योंकि मेरी भाई गाड़ी का डंडा पहले ही टूटा हुआ था। मैंने कहा रदावा साहब मेरे साथ मजाक, वही क्या भी पहले भी टूटा हुआ था भाई, तूने धक्का मारना शुरू कर दिया, मैं डर गया। मैं कहा साला लड़पड़ा भाई, इसके अंदर बहुत गुस्सा है। नहीं भाई वो सीरियसली उसके वो फादर है ना, वो उसी के अंदर ही है, अपना दिल्ली पुलिस में है भाई। पता क्या है हाँ यार भाई, मतलब गुस्से वाला है, पर यार ऐसे थोड़ी सी सिचुएशन देखा करो, केस पड़ी है फिर। गुस्सा शांत रखो करो इसको, बोल शांति है, पर कोई ऐसे बोले ना तो फिर शांति बहुत। भाई थोड़ा सा गुस्सा कम करा कर, मैं तो भाई तुझे तभी पीछे कर रहा था कि भाई पीछे आ जा, क्योंकि मैं कहा उसको तो धक्का पड़ेगा ही, आपसे नहीं पड़ेगा। मैं ये चीज बोल रहा था भाई को, जब बात हो रही थी ना, मैंने कहा भाई वो बहुत गुस्से वाले हैं, मार मूड देंगे। नहीं भाई मारा नहीं, चलो धक्का मारा, चलो भाई यार हम निकलते हैं यार, अब तुम भी जा रहे हो कि बारिश हो रही है यार, आराम से जाना घर यार, अब भी जाना ठीक है, चलो ओके यार भाई है, चलो चलो भाई निकलते हैं हम। डंडा अंदर कर दूं पहले तो, डंडा निकाल लिया रंधावा साहब ने तो। यार थोड़ा आराम ना पर, तू तो इतना गुस्से अंदर है, मैं सच्ची वजह लड़ाई ठोक देना सी यार, पहले भी तो मैंने प्रैंक किया हूं, फिर प्रैंक किया। सो गाइस नीचे कमेंट करके बताओ भाई मजा आया कि नहीं आया, क्योंकि भाई रंधावा साहब ही एक प्रैंक करने वाले, और किससे मैं प्रैंक करूं, बाकी बाकी और भी किसी से भी करेंगे। सो भाई यार वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना। तो मैंने कहा वो लड़की भी नहीं इससे मिली हुई एक बार भी, ना इसकी बात हुई है, तो भाई हम ना इसके साथ प्रैंक ही कर दें। तो मैंने उनको बोला भाई, मैंने कहा मेरा पीछे वाला डंडा टूटा है, आप ना आगे गाड़ी ना मेरी अपनी बाइक को ना पीछे ला के मार देना, और रंधावा साहब मेरे साथ होंगे, उनके देखते कि उसके रिएक्शन क्या होगा। मुझे ना थोड़ा ऊंचा बोलना, पर मुझे नहीं पता था कि ये सीन हो जाएगा, और भाई सीरियसली इन्होंने रख के मतलब कि ना उनको धक्का मार दिया यार। मैं कहा भाई अब काम खराब हो रहा है, रंधावा साहब वाकई गुस्से में आ गए हैं। उन्होंने बोला कि भाई मैं स्टाफ में हूँ, मैं कहा ना ये इस बात से डर रहा है कि वो स्टाफ में है, कहता भाई जेल रोड चलना है, वो कहते हैं मैं उसमें तिहाड़ जेल में हूँ, कहता भाई वहाँ चलना है वहाँ चलिए। प्रैंक करके बहुत मजा आया, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू।